हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर द ब्यूटी विद प्रिया। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हम कुछ ब्यूटी रिलेटेड स्टफ प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स का रिव्यू बताती हूँ और साथ के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताती हूँ जो आप लोगों के लिए यूजफुल होती है काफी। सो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस चीज से रिलेटेड होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग द टाइम, लेट्स जंप इनटू द सो गाइस, आजकल के टाइम पे पता है हर एक इंसान जो है सुंदर दिखना चाहता है, अपनी स्किन को ग्लोइंग दिखाना चाहता है, ब्यूटीफुल लगना चाहता है और हर इंसान उस चीज के लिए काफी सारी इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ लोग टैबलेट्स खाते हैं, कुछ लोग सोप्स लाते हैं, नए नए तरह तरह के नुस्खे जो है अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। बट मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको आज एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाली हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं है आपकी काफी टोन्स फेयर हो जाएंगी, बट हाँ, जो आपकी स्किन है वो स्किन आपकी ग्लोइंग हो जाएगी और शायद एक दो टोन आपका फेयर भी हो जाएगा। आपको फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट उसके दिखने लगेंगे, बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहने वाला है। मतलब आप अगर इसे रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो ही आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा और अपने रिजल्ट शो करेगा और आपकी स्किन काफी स्मूथ, ब्यूटीफुल, शाइनी और सुंदर दिखने लगेगी। ठीक है, सो गाइस, आज के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं वो काफी अच्छे और काफी चमत्कार माने गए हैं मतलब पुराने टाइम से। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही नुस्खा लेकर आई हूँ जिसमें आप मतलब घर में जो मिलने वाली चीजें होती है ना, उनका इस्तेमाल करके काफी अच्छी ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक कटोरी चाहिए। आई होप कि सबके घर में कटोरी होगी ही होगी और मतलब बहुत सारी होंगी ऐसी बात। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा की इंग्रेडिएंट्स है वो है चावल का आटा। एज यू गाइस नो कि जो चावल का आटा होता है वो मतलब बहुत टाइम से मतलब ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स में यूज किया जा रहा है। ठीक है, कोरियन स्किन केयर में जो चावल है वो इतना ज्यादा यूजफुल बताया गया है और इतना ज्यादा यूज किया जाता है हर एक प्रोडक्ट में, तो उसी की वजह से हमारा जो की इंग्रेडिएंट होने वाला है वो आज का होने वाला है चावल का आटा। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कि चावल के आटे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जो चावल का आटा होता है वो एंटी एजिंग होता है, मतलब आपकी स्किन जो है उसको जल्दी से मुरझाने नहीं देता, जल्दी से आपकी स्किन पे रिंकल और ये सब नहीं आते हैं, फाइन लाइंस वगैरह, तो ये एंटी एजिंग है, मतलब एजिंग से बचाता है हमको। ठीक है, इसमें जो है स्किन को सूदन करने की प्रॉपर्टी है और ये हमारी स्किन को एक ग्लो देता है, ब्राइटन देता है और एक्सफोलिएट भी करता है हमारी स्किन को। ठीक है, तो हम एज अ स्क्रब भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो ये बाउल थी कांच की, इसमें मैं 2 टेबलस्पून चावल का आटा डालने वाली हूँ, सो दैट कि आपका जो स्क्रब है या फिर आप जो भी माने इसको बॉडी के लिए पेस्ट माने, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट। तो मतलब मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून चावल का आटा ले लिया। सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक, और टर्मरिक के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मतलब जब हम छोटे थे ना, तो अगर हम बीमार भी पड़ जाते थे तो मम्मी दूध में ना हल्दी मिला के देती थी, तो मतलब इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को ब्यूटी के बारे में भी बता देती कि इसका ब्यूटी से क्या संबंध है और हमारी स्किन को किस तरीके से ये हील करता है। तो सबसे पहली चीज, ये हमारे एक्ने को प्रिवेंट करता है, बहुत अच्छा तरीका है एक्ने इसको प्रिवेंट करने का। हमारे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, उनको ट्रीट करने में बहुत सही मतलब नुस्खा है। ब्राइटन करने में स्किन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको, और भी इसके काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं। एंटीसेप्टिक तो ये है ही है, तो मतलब अगर स्किन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है उन सबको भी हील करने में काफी अच्छे से उसकी हेल्प करता है। तो ये जो हमने 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया था, इसमें ना हमें ज्यादा टर्मरिक नहीं डालने, पता चले आप पूरा 1-2 चम्मच उसमें डाल दो, हमें सिर्फ पिंच ऑफ मतलब थोड़ी सी टर्मरिक लेनी है। एज यू गाइस कैन सी मैंने कितनी कम ली है, तो बस इतनी सी टर्मरिक लेनी है और दैट्स इनफ फॉर यू। और इसको अच्छे से इस पेस्ट को मिक्स कर लेना है। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसको पूरे को मिक्स कर लेना है। हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क। मिल्क के बारे में भी शायद आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और इसके बारे में भी काफी सारी प्रॉपर्टीज पता होंगी। एक तो ये हमारी स्किन को सूद करता है, ब्राइटन करता है, एक्सफोलिएट भी करता है और मतलब इससे काफी सारे स्किन के बेनिफिट्स होते हैं। मतलब ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होता है, वो भी हील करता है और एक तरीके का ग्लोइंग और मतलब शाइनी चेहरा आपको नरिशेज वाला मतलब एकदम नरिशमेंट के साथ मॉइस्चराइज चेहरा आपको इससे मिलता है। तो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ उतना मिल्क कि इसका एक थिक पेस्ट बन जाए और मतलब हमारे अच्छे से बॉडी पे अप्लाई हो सके। ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस, ये हो गया हमारा फाइनल पेस्ट तैयार, या फिर आप इसको स्क्रब बोलो, जो भी आप बोलना चाहते हैं वो हो गया हमारा तैयार। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि इस फॉर्मूले का क्या रिजल्ट आने वाला है। सो ये इस तरीके का पेस्ट तैयार हो गया है।
सो गाइज यू कैन सी माई बोथ दी हैंड्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा टैन हो रखे हैं और विंटर्स के टाइम पे मेरी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है. दैट्स वाई आई मतलब मैं इस मेथड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत पसंद भी आता है ये मेथड. तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी शेयर किया जाए. तो आप मेरे दोनों हाथ देख सकते हैं कि किस तरीके के हो रहे हैं. तो मैं अपने इस वाले हैंड पे ये फॉर्मुलेशन अप्लाई करने वाली हूँ और इस वाले हैंड को मैं ऐसी रखने वाली हूँ ताकि आप लोग जो है मतलब ऐसा सामने से विजिबल रिजल्ट देख सकें और आप लोग जो है अपने लिए सही चीज़ चूज कर सकें कि आपको ये चीज़ यूज़ करनी है या फिर नहीं. ठीक है, तो ये रहा पेस्ट. अब मैं इसको सीधा हाथ से लगाने वाली हूँ अपने इस वाले. सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे हैंड पे स्पेस को अप्लाई कर दिया है. अब आप लोगों को वेट करना है 15 मिनट्स तक और 15 मिनट्स के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फिर आपको क्या करना है. सो गाइज आफ्टर 15 मिनट्स आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसा ड्राई हो चुका है और अगर मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो इस तरीके से इस पे ऐसे पपड़ी सी उतरने लग गई है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऐसा मिल्क लेंगे, ठीक है, और मिल्क को हम ऐसे थोड़ा स्क्रब करेंगे मिल्क से, इस तरीके से स्क्रब. ठीक है, इस तरीके से मिल्क से स्क्रब करने के बाद मैं यहाँ पे कपड़ा ले रही हूँ और इसको थोड़ा वेट करके पूरे को वाइप ऑफ करके दिखा रही हूँ. जस्ट बिकॉज मतलब वॉश करना है तो आप वॉश भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे आपको लाइव रिजल्ट दिखाने के लिए हूँ तो मैं इसमें ऐसा वाइप ऑफ करके आपको दिखाने वाली हूँ. ठीक है, फिर आप इंस्टेंट रिजल्ट देख पाएंगे ना. ओके ओके ओके, ये देखिए आप इस तरीके से डिफरेंस देख लीजिए. फिर मैं देखिए कितना डिफरेंस है दोनों हाथों में. एज यू गाइज कैन सी मतलब इन फ्रंट ऑफ कैमरा मैंने कुछ भी नहीं किया है और यहाँ पे आपको लाइव रिजल्ट दिख रहा है कि ये वाला जो टेक्सचर है मतलब पहले से कितना फेयर हो गया है और ये वाला अभी थोड़ा डार्क है. मैं एक बार अपने इस हैंड को वॉश करके आ जाती हूँ, मतलब रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे पोंछ के दिखाया बट अभी भी थोड़ा थोड़ा इसमें लगा हुआ है हाथ पे तो मैं पूरा वॉश करके आ. सो गाइस मैं अपना हैंड वॉश करके आ चुकी हूँ. जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं ये हाथ काफ़ी स्मूथ लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है और आप कैमरे में इन दोनों हाथ में डिफरेंस भी देख सकते हैं. ये वाला हाथ थोड़ा डल लग रहा है और ये वाला हाथ थोड़ा फेयर लग रहा है. स्मूथ सॉफ्ट तो लग ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. एक बार के ही एप्लीकेशन में जब ये इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है तो जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइज, आप खुद यकीन कर सकते हैं इस चीज पे. तो गाइज आपको इस फॉर्मूले को एक वीक में एक बार अप्लाई करना है या फिर अगर आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप दो बार भी अप्लाई कर सकते हैं. इससे आपको काफी अच्छे लाइव रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, इंस्टेंट रिजल्ट. एंड एंड लास्ट डू नॉट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर स्किन बिकॉज मतलब आपका मिल्क से बहुत अच्छा मॉइस्चराइजेशन तो मिल गया है बट फिर भी आपको और अच्छे मॉइस्चराइजेशन के लिए एक प्रॉपर अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना है अपने स्किन पे ताकि आपको और भी ज़्यादा सॉफ्ट और सुंदर हाथ मिले. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आप लोगों को मेरा ये फॉर्मूला थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं अगर कोई भी नई वीडियो डालती हूँ तो आपको सबसे पहले मतलब अपडेट मिल जाए, सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल जाए. सो गाइज मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की ट्रिक्स और टिप्स लाती रहूंगी. सो टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइज, थैंक यू.